खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय वन संपदा बचाने को लेकर वन श्रमिक की मौत पर सरकार से मृतक के परिजनों को स्थायी रोजगार देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद की भी मांग की है। मामले को लेकर शुक्रवार को उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दिनेश धने ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 जून को जंगलों में लगी आग को बुझाते समय वन श्रमिक सत्येंद्र सिंह पंवार की पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई थी, लेकिन वन विभाग की ओर से मृतक के परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वे वन संपदा बचाने के दौरान जिन भी श्रमिकों की मौत हुई है उनके लिए सरकार से मदद की मांग करेंगे। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। एक सत्येंद्र पंवार, सन ऑफ कुलवीर पंवार, ग्राम नवकुट के नौजवान, वन को आग बुझाते लामकोट निवासी सत्येंद्र पंवार जो आग को बुझाते बुझाते शहीद हुए हैं, उनके लिए, उनके परिवार का भरण पोषण के लिए और उनकी जो मृत्यु हुई है उसके संबंध में मैंने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई कि उनको, उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए।